हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो बहुत सारी क्यूरीज आ रही है, आप लोग की क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सोची क्यों ना इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, वीडियो ही बना दूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सामा चकेवा का जो विसर्जन है वो कब है। तो ऐसे तो पूर्णिमा 8 को भी है और 7 को भी है, तो 8 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मिथिला पंचांग में मैं देखी हूँ तो उसमें दिया गया है कि 7 तारीख को आप सामा चकेवा का विसर्जन कर सकते हैं। और सामा चकेवा जिस दिन विसर्जन किया जाता है उसकी विधि क्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। जी हाँ, इस दिन सामा जो है उसको पूरी अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, सजाया जाता है और खोइछा दिया जाता है, और शाम में जो है वो बहुत आंगन में बैठ के गाना गाया जाता है, और भाई जो है, जी हाँ, सारे लोग अपने भाई को फाड़ भरते हैं, चूड़ा मिठाई, पहले गुड़ से करते थे अब मिठाई से लोग करते हैं। तो मॉडर्न ज़माना होते गया तो आदमी बदलते गया। और जी हाँ, इस दिन धान की जो बलिया होती है वो सामा को चढ़ाया जाता है, और सामा जब विदा होती है तो जैसे घर से एक बेटी विदा होती है उस तरह से ही सामा को भी विदाई किया जाता है। तो कल ये जो पर्व है वो समापन हो जाएगा, सामा का विसर्जन हो जाएगा, और ये कार्तिक मास में चलता है, पूरे 10 दिनों तक ये पर्व को मनाया जाता है, और शाम में सारी महिलाएं गाना गाती हैं, तो ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है 10 दिनों तक। उसके बाद 10 दिनों के बाद विसर्जन कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि अगले साल ज़रूर आना। तो आई होप आप लोग का जो डॉट है, आप लोग की जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।